तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के मोबाइल का एक नया हिडन फीचर बताने वाला हूँ, या बोल सकते हैं आपको एक टिप एंड ट्रिक बताने वाला हूँ। ये जो मैं टिप एंड ट्रिक बताने वाला हूँ वो है होम स्क्रीन से रिलेटेड। दोस्तों ये क्या नया हिडन फीचर है, या बोल सकते हैं क्या नया टिप है, जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको एक नया हिडन फीचर बताने वाला हूँ या बोल सकते हैं टिप एंड ट्रिक बताने वाला हूँ। दोस्तों वो है होम स्क्रीन से रिलेटेड, बोल सकते हैं होम स्क्रीन ग्रिड से रिलेटेड और ऐप स्क्रीन ग्रिड से रिलेटेड। ये टिप है जो कि मुझे आज लगा कि ये नया चेंजेस हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये मुझे नया चेंजेस लगा है। नया चेंजेस क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर इसको थोड़ी देर दबा के रखेंगे, दबाने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन खुलेगा, आपको यहाँ सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप देखेंगे ऊपर आपको एक मिलता है होम स्क्रीन ग्रिड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। पहले क्या होता, आप जैसे इस पर क्लिक करते थे तो वहीं पर वो रो खुलती थी और वहीं पर आप उसको चेंज कर सकते थे, 4x5 में, 4x5x6 में, या जो भी आपको ग्रिड करना हो वहां से चेंज कर। बट अब क्या हो गया है, आपको ग्रिड यहां पर नीचे दिखेगी और आपको ऊपर वहां पर उसका प्रीव्यू भी दिखने वाला है, जो कि पहले नहीं होता था। आप देखेंगे यहां पर, जैसे कि मैंने यहां पर 4.5 पे मैंने यहां सेट बाय डिफॉल्ट रहता है, और अगर मैं यहां पर 4x6 करूंगा तो आपको वो बताने वाला है अब ऐसा दिखने वाला है, या 5x5 करूंगा तो आपको वहां पर सजेशन देने वाला है, 5x6 पे करूंगा तो ऐसा सजेशन देने वाला है। आप देखेंगे सारी होम स्क्रीन के आपको यहां पर प्रीव्यू दिखेंगे, जो कि पहले नहीं होते थे। पहले आपको सिंपल ऐसा ही दिखाई जाता था, बस वहां पर आपको रो पे सेलेक्ट करना रहता था और वहां पर वो अप्लाई होता था, बट आपको यहां पर ये मिल रहा है। और बगल में आपको यहां पर देखेंगे एक लास्ट में आपको यहां पर एरो मिल रहा है, जहां पर आप देखेंगे वहां पर एप्स का और होम स्क्रीन का बना है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये 4x5 पे सेट है। तो आपको जिसको भी करना है, आपको यहां सेटिंग पे जाना है, यहां पर जाना है, आपको जिसको भी सेट करना है और उस पर क्लिक करके उसको सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। और आप देखेंगे यहां पर आपके पास स्पेस काफी बढ़ गई है और आप इजीली कहीं भी कोई सा भी, यहां पर जैसे कि पहले मेरे पास पूरी जगह नहीं थी, अब यहां पर मेरे को स्पेस मिल गया है, अब मैं यहां पर स्पेस खाली करके यहां पर ऐसा ही उसका यूज कर सकता हूं। सेम ऐसा ही आप ऐप ट्रे में देखेंगे मेरे पास एप्स कैसी बड़ी बड़ी सी दिख रही है, तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं। कैसे, वापस आपको यहां पर इसको दबा के रखना है, यहां सेटिंग पे जाना है, अब आपको जाना है एप्स ग्रिड में। एप ग्रिड में भी आपको अब यहां पर प्रीव्यू दिखने लगेंगे, जो कि पहले प्रीव्यू नहीं दिखते थे। आप देख रहे हैं यहां पर भी आपको 4x6, 5x5, 5x6 और ये 4x5 होम स्क्रीन सेट है। तो आपको जिस पे भी सेट करना है, आप देखेंगे यहां पर एक एक करके आपको प्रीव्यू दिख जाएंगे। आपको जिस पे भी सेट करना है, यहां सेट करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे आपको वहां पर आपके आइकन अलग ही दिख जाएंगे, मतलब कि एक अलग ही यहां पर इंटरफेस दे दिया गया है, ताकि आप इजीली वहां पर पहचान सके कि आपको कौन सा वहां पर सेट करना है। पहले ऐसा ऑप्शन नहीं आता था, पहले आपको बस सिर्फ सेट करना रहता था और वो ऑटोमेटिक आपको एक एक करके वहां चेक करना रहता, बट अब आपको यहां पर प्रीव्यू का ऑप्शन दे दिया गया है। ये रिसेंटली मैंने अभी नोटिस करा आज ही और मैंने उस पर वीडियो बना दी। अगर आपको पहले से पता था तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पास अभी नेक्स्ट जो प्रीवियस अपडेट आया था A52S में, उसके बाद ये वाला फीचर ऐड हुआ है। अगर आपको लगता है ये पहले से ऐड हुआ है तो मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो थी बट बहुत यूजफुल वाली वीडियो है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।